प्रभु राम जय जय राम, सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राजी महाराज की जय, वंदे जय हिंद जय श्री राम। सभी हमारे व्यूअर्स को दास जी सैनी का प्रणाम। आज 8th of Jan 2023 सैनिक स्कूल का पेपर है। सभी हमारे बेटियों को, बेटियों को, सभी हमारे प्यारे बच्चों को जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उनको दिल से मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आप बाकी बच्चों से अलग हो चुके हैं। आप बाकी बच्चों से अलग होके वहां पे जा रहे हैं। आपने जो फॉर्म भरा है, उनके माता पिता को मैं बधाई देता हूं। और ध्यान रखें, फॉर्म जिसने भरा है, फॉर्म भरने के बाद उसको सीरियस होके पेपर देना और ये लक्ष्य को ठान लेना कि मैं मजाक करने के लिए नहीं जा रहा, मैं जीतने के लिए जा रहा हूं। जब एक बार शिव खेड़ा जी बताते हैं कि जब एक महान बॉक्सर रिंग के अंदर आता है, तो उसके अंदर एक बॉक्सर उतरता है, तो क्या बोलता है? आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। क्या बोलता है बेटा? आई एम द चैंपियन। आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। क्या बोलता है? आई एम द चैंपियन। इसको दिमाग में सेट करें कि मैं विनर हूं और मैं चैंपियन हूं, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। मैं इस धरती पर जीतने के लिए आया हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आया हूं। और ध्यान दें, जिंदगी के अंदर दो दिन काफी इंपोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, जब आपका जन्म हुआ, और सेकेंड, जब आपको पता चला कि ये जन्म आपका हुआ किस लिए है, आप धरती पे आए किस लिए है। आज हम सब हमारे प्यारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपसे शेयर करेंगे, और उनका जन्म किस लिए हुआ है वो पहले भी बताया है, आज खुल के ये बताएंगे कि मेरा जन्म इस धरती पर किस लिए हुआ है। तो चलते हैं अपने प्यारे बच्चों के पास, क्योंकि आज उन सब प्यारे बच्चों का पेपर है जो बच्चे अपने आप को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में जाने के लिए जा रहे हैं। उन सबको अगेन मैं बधाई देता हूं, और उनके माता पिता को बोलता हूं कि ध्यान रखें, कई बार अच्छा क्रिकेटर भी जिंदगी के अंदर जीरो की बॉल पे आउट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर कई बार खेलते हुए जीरो पे आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको खेलना नहीं आता, इसका मतलब ये है जो उसके कोचेज हैं, उन्होंने उसकी वीकनेस के ऊपर थोड़ा सा कम काम किया, और जो खुद सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने भी अपनी वीकनेस के ऊपर कम काम किया। आपने याद है वो टाइम, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब ऑस्ट्रेलिया के महान बॉलर ने एक बार सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा था। बोल्ड मारने के बाद वो कूदते हुए उस बॉल को लेके सचिन तेंदुलकर के पास गया, कहते कि प्लीज इसके ऊपर साइन कर दो, और ये साइन मुझे करके दे दो, मैं अपने ऑस्ट्रेलिया में जब जाऊंगा तो मेरे पास ये बॉल होगी, मैं कहूंगा कि सचिन को मैंने बोल्ड मारा। सचिन ने उस बॉल को लिया, और बॉल को लेने के बाद उसके ऊपर लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा, और उसने साइन करके उसको दे दिया। उसके बाद कम से कम 60 से 70 बार उसके अटैक हुए, उन दोनों का आमना सामना हुआ, पर एक भी बार सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं मार पाया। इससे क्या हम सीखे? इससे ये सीखे हैं, जिंदगी के अंदर सामना करना पड़ेगा चुनौतियों का, आंख में आंख डाल के बोलना पड़ेगा कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ किस लिए है, हम करने क्या आए हैं और करना क्या चाहते हैं। इसके लिए जरूर से जरूर माइंड में सेट करें, जैसे सचिन तेंदुलकर ने उसके घमंड को तोड़ा, और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, एक बार जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मारने के बाद घर पहुंचे, तो मां कौशल्या ने पूछा कि भाई बेटा राम, तुम रावण को मार के आ गए हो? कहते नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। कहते जी क्या मतलब, मैं भी तो कह रही हूं मैंने मारा है। कहता मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा है। तो कभी भी अपने बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, ये काम मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास है, और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं ये मेरा घमंड नहीं होना चाहिए। तो जिंदगी में ध्यान रखें, जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम डाउन टू अर्थ रहे जिंदगी के अंदर, समाज के बारे में सोचा, अपने माता पिता के बारे में सोचा, वैसे ही ये बच्चे अगर समाज के बारे में, माता पिता के बारे में सोचेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक शॉर्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कौन बताएगा?
ना माँ के पास टाइम है, ना पापा के पास टाइम है, ना दादा के पास टाइम है, ना दादी के पास टाइम है, ना नाना के पास टाइम है, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके पास समय ही नहीं है इन हमारे प्यारे बच्चों को पुरानी हिस्ट्री बताने का कि भाई आज तुम इस खुले वातावरण के अंदर 8 जनवरी 2023 को जो खुल के बात कर रहे हो, हम खुल के अपने संविधान को जी रहे हैं, कैसे इनको पता होना चाहिए कितनी मुश्किल से हमें ये आजादी मिली है और कितनी मुश्किल से हमें ये संविधान मिला है, हमें ये राइट्स मिले हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ये चीजें हमें इनको बतानी चाहिए। और अगेन जो 8 जैन को जिनका पेपर है उनको मैं दिल से बधाई देता हूं कि आपने एक जंग जीत ली है, सिर्फ एक आवर रह गया, लास्ट आवर, लास्ट बॉल, सिंगल लेना है आपने। एक सिंगल लेते ही एक सीट आपके लिए बुक हो जाएगी, तो कोशिश करना, पूरी जान लगा दो। कुछ को मैं जगा रहा हूं, कुछ को आप जगा दो, और जितने भी व्यक्तियों ने ये फॉर्म भरा है मैं उनको दिल से नमन करता हूं, उनको ये चीज बताता हूं कि प्लीज इस बार आपने घर से निकलते हुए अपने लिए एक वीडियो बनानी है और वीडियो बना के जगाना लोगों को कि आप भी अपनी जिंदगी को स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में लेके जाए, उनको जगाएं कि मैंने फॉर्म भरा है, क्या आपने भरा? नहीं भरा तो कोई बात नहीं, जिंदगी का ये आखिरी मैच नहीं है, अगले साल भरना, उससे अगले साल भरना। जो फॉर्म अभी निकलने बाकी हैं, जैसे कुछ फॉर्म मई के बाद भी निकलते हैं, कुछ फॉर्म अभी 31 मार्च तक भी निकलेंगे, तो ध्यान रखें। जैसे कुशेत्रा गुरुकुल, मैं हरियाणा रोहतक हरियाणा में रहता हूँ, जैसे कुशेत्रा गुरुकुल हरियाणा का सबसे नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है, तो आप ध्यान रखें जिसने फॉर्म नहीं भरा तो उस फॉर्म की तरफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि कुशेत्रा गुरुकुल का जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और उसका एग्जाम आप अपने बच्चों को जरूर दिलवाएं। बेटों के लिए कुशेत्रा गुरुकुल है और बेटियों के लिए अब स्वास्थिका का जो अगला चांस होगा वो चमन वाटिका गुरुकुल का है, और उससे उसके बाद जो चांस होगा वो होगा रेलवे वालों का, तो रेलवे वालों का भी पेपर पेंडिंग है जो 29 तारीख का है, और कुरुक्षेत्रा गुरुकुल का भी फॉर्म पेंडिंग है जो अभी आने हैं। गर्ल्स के लिए चमन वाटिका गुरुकुल है और बॉयज के लिए कुरुक्षेत्रा गुरुकुल। अभी अभी के पापा को मैं बधाई देता हूँ, अभी के पापा कुछ रेलवे वाला का पेपर है, 29 तारीख को आपके पापा वहां पे स्कूल में पहले ही होके आ गए हैं। देखो पेरेंट्स क्या, ये वहां पे आउटिंग के लिए गए थे और स्पेशल अपनी बेटी के लिए वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद इन्होंने देखा कि कैसा स्कूल है, क्या है क्या नहीं, पर अभी 2 महीने वो ऑफ रहता है स्कूल, दिसंबर और पूरी जैन के अंदर ऑफ रहता है क्योंकि ठंड काफी होती है वहां पे। पर ध्यान रखें बाकी जो 10 महीने हैं उस 10 महीने के अंदर, आज अगर हम रोहतक में बैठे हैं तो यहाँ की वादियां और वहां की वादियों में कितना फर्क होगा। इन बच्चों को मैं यही बता रहा था कि बेटा ध्यान रखें, अगर आपका एडमिशन वहां पे हो गया ना रेलवे वालों में, आप सुबह उठ रहे हैं पहाड़ों के बीच में, फ्रेश एयर है, फ्रेश ग्रीनरी है, मजा आ जाएगा आपको लाइफ जी के। और एक आप यहाँ पे उठ रहे हो सुबह कितने बजे भी उठ रहे हो, यहाँ पे एयर पोल्यूशन क्या है, ये क्या है, वहां पे देखो क्या जिंदगी है। हम सिर्फ 4 दिन के लिए जाते हैं और पूरे साल 365 दिन की वादियां हम साथ ले आते हैं कि वाओ जी हम इस साल गए थे अब अगले साल फिर जाएंगे। और इमेजिन करो अगर ये बच्चों का एडमिशन ही वहां हो जाए तो कितना मजा आएगा, और सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, वहीं पे रहना खाना। पर ऐसे एडमिशन नहीं होता, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे आज सैनिक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो बच्चे कर रहे हैं वो दूसरे बच्चों को भी जगाए। आज हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप भी जागे और आगे बढ़े। जीवन में सिर्फ 2 दिन इंपॉर्टेंट है, एक हम जब पैदा हुए और दूसरा हमें पता चला कि हम धरती पे आए किस लिए हैं, बनना क्या चाहते हैं। ठीक है, कितने जीवन के दिन होते हैं? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। पहला जब हमारा जन्म हुआ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, पहला ऐसे करके बताओ, पहला जब हमारा जन्म हुआ, और दूसरा दूसरा जब हम धरती पे आए कि हमें पता चला कि हम धरती पर किस लिए आए हैं। क्लियर, ये 2 दिन हमारी जिंदगी के इम्पोर्टेंट है। अब हम मिलवाते हैं कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ क्या है और ये कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं, हम मिलवाते हैं
अपने प्यारे बच्चे, सबसे सीनियर बच्चे अनमोल जी से। यस अनमोल जी, क्या कहना चाहते हैं आज पेपर के लिए? सर मैं सर यही कहना चाहता हूँ, जिनका भी आज पेपर है, काश मैं भी सिक्स क्लास में होता, आज मैं भी पेपर दे पाता, पर पहले मुझे सर नहीं मिले, लेकिन अब मिले मुझे सर, अब मैं जाग गया। अगर यही मैं पहले जाग जाता तो आज मैं सभी बच्चों के साथ अपना पेपर दे पाता। और बीते हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो आने वाला समय है मैं उसके अंदर जरूर अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। और इन सभी बच्चों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनका आज पेपर है, सभी बच्चे अपना पेपर अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें और आगे आने वाले पेपर भी क्लियर कर सकें। आपका जन्म कब हुआ सर, डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? सर मेरा जन्म 7 अप्रैल 2005 का है सर। 7 अप्रैल 2005 जब आप धरती पे आए? जी सर। तो रोते हुए आए थे? जी सर, रोते हुए आए हैं। जब ध्यान रखे, जब हम कुछ करके जाएंगे तो दुनिया रोएगी कि भाई ये वाव, ये वो बच्चे हैं जो जिंदगी के अंदर इतने महान कार्य करके गए हैं। तो आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपका जन्म हुआ किस लिए है? सर मेरा जन्म, मुझे एक अच्छा जज बनना है सर। अच्छा जज बनना है? जी सर। तो अच्छा जज बन के क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं न्याय का साथ दूंगा। न्याय का साथ देंगे, इम्पोर्टेंट, न्याय का साथ, और गलत का काम, गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। ये ध्यान रखना, ये जो आप शब्द बोल रहे हैं ये चैनल पे भी अपलोड हो जाएंगे, जब भी आपको लगे ध्यान रखें। कभी एक बार पूछा गया, एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, जैसे आप अपनी माँ को एक अच्छा अपना दोस्त भी मानते हो, अपना मेंटर भी मानते हो, अपना गुरु भी मानते हो, एक माँ को एक बेटे ने पूछा, माँ मैं जिंदगी के अंदर ये काम करूं ना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो माँ ने कहा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे सिर्फ इतना पता है तू रात को जब सोता है और सुबह मैं तेरे को जगाने आती हूं, जब रात को तू सोता है तो सुबह मैं तेरे को जगाने आती हूं, ऐसा ना हो तू कोई ऐसा काम करे जब मैं तेरे पास सुबह जगाने आऊं तू मुझे जागता हुआ ना मिले। तो ध्यान रखें, जिस काम में आपका दिल गवाही नहीं देता उस काम को आपने नहीं करना जिंदगी के अंदर, क्योंकि कलम की ताकत आपने आम इंसान की बनानी है, और आम इंसान भी वो जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ध्यान रखें। अब हम चलते हैं धनंजय की साइड। यस धनंजय, आपका क्या कहना चाहते हो आज पेपर के बारे में? अच्छा पेपर करे और डरे मत। डरे मत, गुड। डरना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, और डरता वो है जो तैयारी करके नहीं जाता, सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाता है। हमने एंजॉय नहीं करना, हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपका बेटा जन्म कब हुआ? 2 दिसंबर 2014 को आप धरती पे आए, और धरती पे आने के बाद आपने क्या ऐसा कार्य करना है जो बाकी लोगों के लिए मिसाल होगा? क्या बनना चाहते हो आप? गुड, नंबर वन बिजनेसमैन बन के आप क्या करेंगे? सबकी मदद करेंगे। ध्यान रखें, आप भी उन व्यक्तियों की मदद करना जो मदद लेना चाहते हैं। ध्यान रखें, उन व्यक्तियों की मदद नहीं करना जो धक्के खाने के लिए धरती पे आए हैं। सरकार भी इस चीज का ध्यान दे, आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो हमारे भोले भाले युवाओं को हैंडीकैप बनाए। हाँ, जिसको जरूरत है, जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद करें। सरकार भी इस चीज का स्पेशली ध्यान दे। हम क्या करते हैं जी, ये फ्री वो फ्री, ऐसा फ्री वैसा फ्री, ओ भाई फ्री नहीं, हमें उसको कीमत के साथ उसको लौटाना है ताकि उसको इम्पोर्टेंस पता चल सके। आपने भी धनंजय ऐसा काम करना है ताकि लोगों को इम्पोर्टेंस उसकी पता चल सके। चलते हैं हम अभी के पास। यस अभी, आज सबको बधाई दो आप जिनका पेपर है। गुड, दीदी के फुल मार्क्स आए। बेटा सभी बच्चों के लिए बोलो जो अच्छे हैं उनका वहां पे सिलेक्शन हो और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करे। जो भी वहां पे सिलेक्शन है वो अच्छे पेपर करे और देश का नाम रोशन करे, एक अच्छे अफसर बन के देश का नाम रोशन करे। यस बेटा, आपका जन्म कब हुआ बेटा? 2015
आगे डेट 4 फरवरी 2015 को आपका जन्म हुआ बेटा। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आपका जन्म किस लिए हुआ? गुड टीचर बनना चाहते हो। परमात्मा आपको अच्छा टीचर बनाए। अच्छा टीचर बन गया, आप क्या करेंगे? मैं अच्छा टीचर बनने के बाद देश का नाम रोशन करूंगा। देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि जैसे कुछ टीचर होते हैं जो बर्डन मानते हैं, पढ़ाई करते हुए वो तो पढ़ाना पड़ेगा। अच्छे टीचर का मतलब होता है आपकी जिम्मेवारी है ताकि आप अच्छे बच्चों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। जैसे कोविड महामारी के दौरान देखा गया, डॉक्टर काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं, कुछ सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, पर टीचर्स को क्या बोला गया? आप घर बैठ जाओ। ओ भाई, टीचर्स ने तो सबको बनाया है। हमने क्या किया अनमोल सर? टीचर्स को ही घर बिठा दिया है ना। तो ये जो चीजें हैं, टीचर्स ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, एक योद्धाओं को पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखें, हमने अच्छे तरीके से टीचर बनके ताकि देश निर्माण में अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे लेक्चरर, अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन दे सकें ताकि देश आगे बढ़ सके। ध्यान रखें, टीचर्स का काम होता है अच्छे पॉलिटिशियन भी देना, क्योंकि हमें कौन चलाता है, भारत देश को कौन चला रहा है? राजनेता। कौन चला रहे हैं? राजनेता। कुछ पूरे इंडिया की 140 करोड़ आबादी को 552 MPs बैठ के संसद भवन के अंदर क्या करते हैं? हमारी जीवनी लिख देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इसके ऊपर भी अच्छे टीचर बने ताकि अच्छे अच्छे योद्धा आए, ताकि इसके अंदर भी हम चेंज कर सकें। भाई 140 करोड़ के ऊपर इतने लोग उनको वो करेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों का मेन रोल है, उसका ध्यान रखें। यस कृति, सबको बधाई दें आप। अच्छा पेपर देके आए और पास होकर देश का नाम रोशन करें। ध्यान रखें, 300 नंबर का पेपर है, 300 में पासिंग मार्क्स तो 120, 130, 140 तक चाहिए, जितने भी हों, लगभग 40% से ऊपर पास आउट है, पर टॉपर बच्चे लेते हैं बेटा। 300 में से 300 किसके आएंगे, 300 में से 299 किसके आएंगे, यानी कौन चाहिए? पास होने वाले बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि हजारों बच्चे पेपर भरते हैं ना बेटा। कौन चाहिए? टॉपर बच्चे चाहिए। कौन से चाहिए? टॉपर बच्चे, यानी जिसके टॉप मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। आपका जन्म कब हुआ बेटा? 2016। और डेट? 9 फरवरी 2016 को। क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस लिए आए हो? आईपीएस ऑफिसर। तो क्या करेंगे आईपीएस ऑफिसर बनके? देश का नाम रोशन करें। गुड, देश का नाम रोशन करें। यस स्वास्तिका, आज आपका पेपर है। यस बेटा, क्या कहना चाहते हैं जिनका पेपर है? और सबसे पहले आपको इंग्लिश क्वाइट सुनाना चाहती हूँ। लर्न फॉर यस्टरडे, लीव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। यस ग्रेट। आम भाषा में क्या कहेंगे उसको? कि कल से सीखो, आज जियो, और कल के लिए अपनी जो आशा है वो रखो। गुड, ध्यान रखो, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम होती है। अपनी उम्मीद को जगा के रखो, लोगों को आगे बढ़ा के रखो ताकि जिंदगी के अंदर अच्छे इंसान बन सके। क्या कहना चाहते हो जिनके आज पेपर हैं? क्या कहना चाहते हो आप उनको? आपका ही पेपर है। yes, आज सबको वादा करो, 300 में से कितने नंबर आएंगे आपके? 300। बेटा झूठ ना बोलो, सब देखेंगे दोबारा वीडियो। 300 ये तो फिर आप थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो मेरे सामने, मैं एक टीचर हूँ। 290 तो आ जाएगी। देख लो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। yes, कितने आएंगे? 290 मार्क्स ये कह रही है। तो देखते हैं एक बार, जब इसका पेपर आता है तो कितने पे आउट होती है तो वो भी चेक करेंगे भाई, कितने पे आउट होंगे। तो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक का पेपर है जिनका पेपर है। 12:30 बजे हमने रिपोर्टिंग करनी है, जिस जिस भी सेंटर पे जाना है। और क्या कहना चाहते हो आप सबको? जैसा कि सर ने आपको बताया, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, तो ये सोचकर वहां जाओ, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी साइड ध्यान मत दो, जो आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। गॉट। तो आपका जन्म कब हुआ बेटा? 28/11/2011।
28/11/2011। और किस लिए आपका जन्म हुआ है बेटा? सर मेरा बर्थ हुआ है ताकि मैं इंडिया का नाम रोशन कर सकूं और एक अच्छे ऑफिसर बनकर गुड भारत की बेटी बन सको आप। ग्रेट, अजय पापा की बेटी के बाद भारत की बेटी बनके देश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी हमारे व्यूवर्स को अजय सैनी का प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।